ये पड़ा है पानी, बार बार मुझे ना बुलाना, मैं बता रही हूँ मुझे और भी बहुत कम है। एक तो सब्जी वाले ने मर जाने, इतनी महंगाई करके रखी हुई है, 50 रुपयों के झाड़ू वाला रुका है, झाड़ू का निपटा के। सुनिए ना, आपको ही बुला रहे हैं, आप किसे बुलाएंगे? नहीं जी जी, आपके लिए दूध लेके आई हूँ, अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप उठ के बाहर मत। जी आपने बुलाया? मैंने बुलाया। क्या करना था? तो गाइस यार, बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारा काम मैं ही करूं, तड़का मैं लगाऊं, बर्तन मैं साफ करूं, मैं तो नौकरानी होगी हूं बस। हाँ, उसको तो मिलनी चाहिए बनी बनाई, बच्चों को भी मैं देखू, क्या क्या करूं। आ रही हूं, अब इनको देखो आगे, बस सर खाओ मेरे। आ रही हूं, तड़का लगा रही हूं, अब अंदर गए तो दूध उबल जाएगा, क्या करूं मैं, सारे मेरा सर खाएंगे। बर्तन रखो, पानी पिलाओ, ये करो वो करो, एक तो रिश्तेदारों ने खा के रख दिया, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे, क्या करूं। ये पड़ा है पानी, बार बार मुझे ना बुलाना, मैं बता दी मुझे और बहुत कम है। क्या करके रखा हुआ, गंदगी उड़ा लगा हुआ, इतना क्यों बुक्स निकाली हुई है इतनी, मैं पागल हूँ जो सुबह से लगी हुई हूँ। एक तो आप लोगों को दे, तैयार तो चले जाना शादी के लिए, मुझे घर में भी काम करने हैं। सब्जी वाले ने भी अभी आ रही हूँ, रुको। एक तो सब्जी वाले ने मर जाने, इतनी महंगाई करके रखी हुई है, 50 रुपए किलो टमाटर हो गए, क्या ही खाना है बंदे ने लेके, क्या नहीं खाना है। चलो अभी कपड़ों का करो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कि कपड़े देखना कैसे कैसे आएंगे। ओए क्या कर रहे हो, रुको, खा लिए इन लोगों ने मुझे। झाड़ू वाला रुका, झाड़ू का निपटा के। अरे आ रहे हैं मम्मी जी, कब से टक 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 किए जा रहे हैं, एक बार बोल दिया ना आ रहे हैं। कब से आवाज देने आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, कान में रूई दे रखी है क्या, कब से एजी करके बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है क्या, एकदम माथे पे सवार है। आ रहे हैं बोल दिए तब से आवाज़ ही दिए जा रहे हैं। ए, पता नहीं इनका कितना बड़ा खानदान है, फुआ मामी चाची मासी आए रहता है आए दिन, खर्चा नहीं लगता है, और एक एक बच्चा सब लेके आएगा, खर्चा नहीं लगता है। और हमारी मम्मी जी कुछ दे देना, दे देने का मतलब क्या, 1000 रुपए सबको बच्चों को पकड़ाओ, हमको जा साड़ी या फिर एक सूट पकड़ा दी, और मम्मी जी वाह वाह वाह, और मम्मी जी बुआ जी आई तुमको ये दी, मासी जी आई तुमको वो दी, चाची जी आई इसने तुमको इतने पैसे दिए, और हम जो इन सबको 1000 रुपए दिए हैं, किसी का एक बच्चा, किसी के दो बच्चे, किसी के तीन बच्चे, और सब सूट समेकर ऐसे लेकर सब रफू चक्कर, और आके सीधा ऐसे मेरे रूम में लेट जाएगा, हमको नहीं क्या आराम करना, एकदम आएगा तो जाएगा ही नहीं, बस एसी रूम में ही रहेगा, हमको आके सिर्फ अपनी बीमारी बताएगा, हमको ऐसे हो गया वैसे हो गया, खाली सुनाएगा हमें, हम कोई डॉक्टर थोड़ी है जाके डॉक्टर के पास अपनी बीमारी बोलो, क्या हम पंचायत है, बस पंचायत बिठाएंगे और बात का निवाड़ा कर देंगे, कोर्ट में करो शिकायत, हमारे पास कौन सी चीज का शिकायत लेके आते हो, हम कोई जज है का या फिर वकील है, सब सुना के ना मेरा दिमाग इधर से ऐसे कर दे। नहीं जी आपको ही बुला रहे हैं। हाँ क्या लेंगे आप, चाय या फिर काफी? हम काफी में बना लेते हैं।
जी 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 लेके आई हूँ कॉफी, नहीं दूध दूध जी, दूध लेके आती हूँ आप जी, दूध लेके। ये किसके लिए डाल रहे हो दूध? जी आपके लिए, बाकी सबने ले लिया, मैंने सबको दे दिया, आपके लिए डाले हैं। मम्मी जी ने बोला अच्छे से मलाई डाल के देना, आप मलाई ज़्यादा पीते हो। अब चलिए ना आप कमरे में, चलिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं आप, थक जाएंगे, सर्दी लग जाएगी। चलिए आप, मैं आती हूँ जी, आपके लिए दूध लेके आए हूँ। अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप उठ के बाहर बताइएगा, ठंडी लग जाएगी। ठीक है, मम्मी जी के पैर दबा के आती हूँ, उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा था। दूध पीजिए ना, इधर क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं, सुनिए ना, दूध पीजिए ना, इधर मत देखिए, मेरे को शर्म आ रही है। आपके पैर दबा दूं, अब थक गई होंगी, सुबह से तो काम कर रहे थे आप, मैं तो बोलती रहती हूँ मत करो मत करो, अभी आपकी एज थोड़ी है काम करने की, आप रेस्ट किया करो ना। जब से मैं आई हूँ मैंने आपको देखा कहाँ है बैठे हुए, बस आप काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करे जा रही हैं। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए, मैं हूँ ना, मैं सब कर देती हूँ। वैसे घर में तो मैंने नहीं किया मम्मी जी, मुझे पता है मैंने नहीं किया, मुझे आदत नहीं है, पर मैं कर लूँगी ना, बस मुझे आपको ना रेस्ट करवानी है। मैंने इनसे पहले कहा था कि मैं ना मम्मी जी को काम नहीं करने दूंगी, बस उनको ना पैर दबाऊंगी, उनके हाथ दबाऊंगी। नहीं 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 मम्मी जी, गले के लिए नहीं बोला था मैंने, जी 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 जी, ये गंदी बात मैं कभी नहीं बोलती हूँ, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी दर्द तो नहीं हो रहा, आपके घुटने तो नहीं दुख रहे हैं ना मम्मी जी, आपके लिए कुछ ले आऊं खाने के लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं कर लेती हूँ मम्मी जी, मैं आदत डाल लूँगी, कोई बात नहीं। नहीं अभी नहीं, मुझे आपके पास बैठना है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जी आगे तो कोई बात नहीं, रात तो हमारी है ना, कोई बात नहीं, रात को तो हम लोग साथ ही होते हैं। जी मम्मी जी, नहीं कल मैं खुद उठ जाऊँगी, आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। केक आ गया, मेरी शादी के बाद इनका फर्स्ट टाइम बर्थडे आ रहा है, शादी से पहला बर्थडे, केक लगा देती हूँ फ्रिज में, इनको बताऊँगी नहीं, चोरी चोरी काटे ये रात को 12 बजे। ये भी हो गया, अभी बेडरूम का काम रह गया है, अभी कर लूँगी। कितने अच्छे, कितना अच्छा ससुराल है, मुझे कितना प्यार मिलता है। रतिका जी, आपने बुलाया? मैंने ही बुलाया। क्या करना था? क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, बस मैं फ्री हूँ। थक तो नहीं गए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, थकान होती कहाँ है, काम ही कहाँ है यहाँ पे, कोई मुझे काम करने ही नहीं देता, बस बैठे ये करो, कभी आपकी मेहंदी उतर जाएगी, कभी आपके हाथों को हल्दी लग जाएगी, आप काम मत करो यार, करने ही नहीं देती मम्मा काम, मैं क्या ही करूँ, मुझे बर्तन साफ नहीं करने देती हैं, बस बस बैठ के बोलते कॉफी पी ले, चाय पी ले, मुझे सब पूरा दिन यही करना पड़ता है, मुझे काम क्यों नहीं दिखाते यार ये लोग, मैं कब काम करना स्टार्ट करूंगी यार। अच्छी बात है, नहीं करने देती। मैंने मम्मा को बोला मम्मा मैं कपड़े धो देती, मम्मा बोलती नहीं कपड़े मत धो ना, तेरी मेहंदी उतर जाएगी, अब तू नई नई है, तेरे को काम नहीं करने देना। वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर नई नई बहू से काम नहीं करवाते। अच्छा उसके बाद करवाते हैं, मुझे तो नहीं लगता यार, इतने अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं लगता बाद में उसकी बुरी हालत कर देते हैं काम करा करा के। मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली है, कुछ भी नहीं करने देते हैं यार, मुझे किचन में जाने तक नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में यही लालच डालते हैं बस बंदे को। हाँ, फिर में क्या होता है? फिर सुबह 4 बजे उसके खेत में जाना, दूध निकालना, गोबर उठाना है। मुझे इन सब की आदत नहीं, मैं नहीं करूंगी, पड़ जाती है आदत इधर आके। आप ऐसा मत बोलिए, वो अभी काम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। क्या अगर अभी काम करवा लिया तो घर में भाग जाओगे ना आप? इसलिए नहीं काम करवाना है मुझसे। नहीं आपको लगता है कि आप ऐसा करवाओगे मेरे से, या फिर मुझे कोई काम करने के लिए बोलोगे? ऐसा हो जाएगा अपने आप ही, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है, देख लेना पक्का। आपको कुछ चाहिए तो नहीं खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह काट दूं? बस कर यार, खाना मैंने पहले ही ज्यादा खा लिया है। आपकी टांगे दबा दूं मैं? नहीं ठीक है मेरी टांगे। और तो नहीं कुछ दबाना? नहीं नहीं गला। यार रूम में भी बड़ा गंद पड़ा हुआ है। मैं हूं ना, कर लूंगी।
यार आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के सिर्फ खाने पीने इंजॉय करने मस्त रहने, कोई काम नहीं करना आपको। मैं हूँ आपके सारे काम कर दूंगी, मैं काम के लिए तो हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हर टाइम हाजिर हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, मैं सारा काम कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मासी जी, मामी जी, फूफी जी सभी आए थे, उन लोगों ने मुझे सभी ने मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट किया बताया, और मुझे उन्होंने 1100-1100 रुपये शगुन मिले। वो लोग इतने अच्छे, इतने अच्छे। मैंने तो उनको बोला आप लोग मेरे रूम में ही सो जाओ, तो वो लोग माने नहीं, बोलते नहीं तो नहीं वो हुए हैं, हम लोग तेरे रूम में नहीं सोएंगे। यार उनके बच्चे इतने क्यूट थे, मैंने उनको पैसे भी दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और बताए तो मुझे बोल के भी गए कि आप लोग हमारे घर में है ना, मुझे इतना मजा आया उनसे मिलके, वो कितने अच्छे यार आपके रिलेटिव्स, मुझे मुझे सभी बहुत अच्छे लगे।